डॉक्टर जी, माफी कुछ मानना जा सवाल है कुछ जी कुछ कि अगर अगर असी सिर्फ अल्लाह दी किताब नू लै के चल रहे हाँ तो क्या साड़ी बख्शिश नहीं होएगी? बिल्कुल कतर नहीं होगी। ही नहीं होएगी। उदी की वजह वो वजह ये हैगी है कि वेखो ए झूठ तो तुसी बेशक मारी जाओ जिन्ने मर्जी, ताड़ा में नाम नहीं डॉक्टर आया। भाई, तेरे साथी तुसी तो उर्दू में करी नहीं गया, उर्दू पहले तेरे साथी करने डॉक्टर की भाई, साले तो माँ नाम। माँ जरा उर्दू में नहीं बात नहीं मेरी करें ना, गल ताकि उर्दू गल मेरी में कर सुन दें लो। ताकि सारे समझ हाँ लें। ठीक है, उर्दू उर्दू में में कर कर देता दें। हूँ कि ये आप जो है वो ये ज़बरदस्ती आपके साथी जो है, आपके मुंह से तो मैंने नहीं सुना, जब सुनूंगा तो आप भी इसमें शामिल होंगे कि ये किताब हम पे नाजिल हो रही है, हमने इसको अपने मतलब से अपने दिमाग से समझना है, और हालत हमारी ये है कि पढ़ना भी नहीं आता कुरान सीधे तरीके से, और दूसरी नंबर पे हालत देख रहे हैं, तर्जुमा भी नहीं करना आता, वो भी हम किसी बंदे दूसरे तीसरे चौथे का लिखा हुआ पढ़ के सुनाते हैं। तो भाई जब हालत हमारी ये है और हम समझे कि भाई हम इस कुरान को बेहतर समझ रहे हैं, तो आप सीधा जन्नम ही जा रहे हैं, जन्नम के गड्ढे में डायरेक्ट। अब जिस पर्सनैलिटी पे, जिस पैगम्बर पे कुरान पाक नाजल हुआ, उनकी अपनी जबान ही अरेबिक है, आपकी तो जबान भी अरेबिक नहीं, आप तो मोहताज हैं तर्जुमे के, इंग्लिश का तर्जुमा निकाले तब भी किसी का किया हुआ, उर्दू का निकाले तब भी किसी का किया हुआ, तो आप जो है किसी थर्ड पर्सन का तर्जमा जो कि रसूल नहीं है, नबी नहीं है, मेरे जैसा एक आम बंदा है, उसके तर्जमे को लेके आप कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इनकार कर रहे हैं उस हस्ती का जिस पर कुरान पाक नाजल हुआ, जो कुरान पाक को सबसे बेहतरीन समझने वाले थे, तो आप तो डायरेक्ट गुमराही में जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता नहीं यहदी युदिल्लु बिही कसीरा मजाहदी बिही कसीरा, कि इसी से बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत से लोग हिदायत पाते हैं। कुरान गुमराह से कौन होते ही। हैं? आप हैं जो अच्छा, गुमराह हो रहे हैं, जो ये कहते हैं कि जिन कुरान पर से नाजिल गुमराह हुआ उनको तो माइनस कर भी दें, उनका कुछ हो सकते ना देखें कि उन्होंने क्या बताया, बल्कि ये जो इधर मेरे हमसाए में रहने वाले असलम दीनापुरी ने जो तर्जमा किया उसको लेके हम उससे हम समझते हैं कुरान हैं। का, डॉक्टर देरिंग अल्लाह भाई, ने खुद नहीं माजरत करना। माजरत, मुझे आपका पॉइंट बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया। मैं आपसे इस पे एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में उर्दू बोलते हैं, जो भैंसें चुराते हैं, जो मतलब चराते हैं, सॉरी, जो बकरियां चराते हैं, वो उर्दू बोलते हैं, उनकी ज़बान ही उर्दू है, क्या वो इकबाल जैसा या गालिब जैसा कलाम लिख सकते हैं? समझ बात नहीं आपकी, समझा मैं। मैंने कहा कि पाकिस्तान में जिस बंदे की ज़बान उर्दू है, हाँ मदर टंग जो है वो उर्दू है, और वो भैंसें चरा रहा है, और वो जो है वो बकरियां चरा रहा है, अनपढ़ है और पढ़ लिख नहीं सकता, क्या वो इकबाल जैसा या गालिब जैसा कलाम लिख सकता है? समटाइम तो ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो इकबाल और गालिब जैसे लोगों से भी आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, वो उर्दू की बात कर रहा हूँ, जो उर्दू की उर्दू बात मैं कर इकबाल रहा ने हूँ कि इस्तेमाल की समटाइम ऐसा है। होता है कि ऐसे लोग जो कि जिनकी कोई भी तालीम नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अक्ल और शऊर इतना दिया होता है कि वो गालिब जैसे इकबाल जैसे लोगों को भी मात दे जाते हैं। कोई मिसाल मिलती है हमारे बड़ी पाकिस्तान बड़ी में? बड़ी 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 हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी। आपने करना क्या है इस मिसाल का, करना क्या नहीं, चाहते हैं वो मैं कंपेयर करना चाह रहा था कि इससे कंपेयर से? अरेबिया का एक बंदा जो बकरियां चराता था, और वो मतलब कहाँ अनपढ़ भी लिखा हुआ था, बकरी का, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ पढ़ा लिखा नहीं था। ये तारीफ तो मुझे ऐसे ही लिखा, करा रहा है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये मौलवी पे आ जाएंगे फिर दोबारा हम, नहीं नहीं मुझे मौलवी मौलवी ने पे तो क्या यही फिर, बताया। मतलब आप मौलवी के मोहताज हैं आप? जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ अभी मैंने तो कि ठुकरा दी है बात बिल्कुल। आप ये दूसरे तीसरे बंदे की बात को तो मान रहे हैं, कोई तो मेरे जैसा मौलवी, कोई मेरे मोहल्ले का मौलवी, कोई दूसरी बस्ती का मौलवी, उसके पीछे तो आप चल रहे हैं और बड़ा शौक भी है आपको चलने का, लेकिन जिन पर कुरान पाक नाजल हुआ उधर आपको तकलीफ होती है, उनकी बात नहीं मानते नहीं नहीं, तो मैं तो चले चल ठीक है पड़ूंगा, छोड़ दें इसको, मैं आप चल, बता दें आपको किसने कहाँ फिर ये बात लिखी हुई है कि बकरियां चराने वाले कोई अरब में ये थे, तो हर 12 रबीउल अव्वल पे बताते हैं, वो 12 रबीउल अव्वल के पीछे बच्चे चलना बच्चे चाह को रही हो, पता अल्लाह ही। ताला ने प्यारे आपको क्या कहा था कि 12 रबीउल अव्वल वाले के भाई, पीछे चलना है, मैं तो सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ ना, जिस तो सोसाइटी में, सोसाइटी मुझे से तो पैदा, यही मरीज से सिखाया पैदा गया हो है ना, जाना से तुसी, तो मुझे तो सोसाइटी ने यही तो मरीज सिखाया, से पैदा हो जाना, सोसाइटी ने मैंने जिसने उसको सिखाया आपको इनकार कर ये, दिया। वही सोसाइटी अगर आपको कहे कि कुरान पाक वैसा सीखें जो अल्लाह के रसूल ने बताया, वो क्यों नहीं मानते आप? प्यारे भाई, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल जो हाँ तो हैं बस आप वो मुझे पहले ये उनने ये बता दें, इतना मैं तो आपकी इतना जुबान इतना से जो बात बेहतरीन सुन रहा हूँ
जी जी मेरी सुन बात ले सुनो, ना, मेरे बात सुन ले। मेरे जैसे मैं आपकी मतलब बात का बता रहे हैं इकरार जो मुझे कर रहा बता भी तो देना, ये बात कहाँ से आपने ली है? जी, मैंने अगर जवाब तो दे आपने दिया बारह है। रबीउल अव्वल मौलवियों से लिया तो मैं तो नहीं मानता किसी मौलवी को, मैं भी मैं नहीं तो सारे मानता, मैंने दोस्तों कब मानता हूँ। माना, मैं भी नहीं मानता। हाँ तो सही, ठीक है, फिर आप मुझसे क्यों हाँ पूछ रहे हैं जी, कि मैं मैं क्या, बच्चे 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 के जहन में यही है ना। अच्छा, मेरी बात आगे तो सुन लेना मेरे भाई, जी जी बहुत गुस्सा ना शुक्रिया। करें। मैं आगे जो ये इतना बेहतरीन कलाम जी है, ये जो कुरान पाक, और जी इतना ज़बरदस्त अल्लाह ने इसकी तरतीब बांधी है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो अपनी मिसाल उसकी मिलती नहीं है। तो जो आप जिनको कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह, तो उनकी क्या तलीम वगैरह थी, क्या वो मतलब करते थे अगर वो बकरियां वगैरह नहीं चराते थे, या कोई कोई अनपढ़ या नहीं थे वो, तो किसकी क्या बात, था किन की बात आप कर रहे ये हैं? जिन पे आप कुरान नाजिल कर रहे हैं, रसूल अल्लाह जिनका आप कह रहे हाँ हैं। तो उनकी तलीम ये थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रहमान वअल्लमल कुरान, कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान सिखाया, और कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई रतब और खलक अल याबिस ऐसा इंसान नहीं है भूल गए जिसमें। आप, अल्लाह कह रहे हैं अल्लामल कुरान के बाद खलक अल इंसान अल्लामा खुल बयान, वो भूल गए आप तो गालबन मतलब बिल्कुल क्या। वो इंसान ही है जिनको अल्लाह ताला ने रहमान ने कुरान सिखाया, वो इंसान ही है, बशर है, कोई सही सही सही, मसला है आप? नहीं मेरा ये और सवाल नहीं इसी था कि कुरान में अल्लाह अल्लाह ताला ने ने फरमाया कि कोई रतब व याबस ऐसा नहीं है कि जो इसमें मौजूद ना हो। अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनकी तलीम व तरबियत तो खुद फरमाई है। इंसानों की तलीम का तो ये हाल है कि कल तक ये कहते थे जो है वो जमीन साकन है, आज कहने लग गए घूमती है। कल तक ये कहते थे चांद की अपनी रोशनी, अब कहते नहीं नहीं ये सूरज से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो वो तो इंसान की तलीम का तो ये अहमद हाल रजा है ना, बरेलवी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तलीम ही खुद फरमाई। अच्छा तो डॉक्टर, कोई इंसानी वो तलीम तो अहमद इसे रजा मानी बरेलवी, अहमद भी एक रजा सवाल बरेलवी करने साहब लगे ने, अहमद रजा बरेलवी साहब ने फौजुल मुबीन लिखी ना यार। प्यारे तो भाई, मेरे कुछ दो चाचे सौ चुचे शब्द का नाल है ला, तो अहमद रजा खान की तरफ क्यों जा रहे? मेरे चाचे का वही नाल है ला, दलीलें दे रहे हैं अहमद उनने, की थी। कुरान से दलीलें दी हैं, तो दो भाई सौ सफ़े मैंने की कहा मेरे किताब चाचू है, का मामू का ताया कुरान का से नाम ले दलीलें लोगे, दी हैं उसमें कि जमीन यही कुछ साकिन भी है। है। मतलब प्यारे कि भाई, आप क्या ये करें अपने अब जब अंदाजा मैंने ले रहे हैं मौलवियों अपना। की और मौलवियों की बात की, तो मानी आपको जो साहब है वो आप अच्छी अनुभव, नहीं भाई लगी। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं आपकी अकल पे मातम कर रहा हूँ। कि भाई आपने दीन कुरान हदीस, चले हदीस तो आप छोड़ देना, मैं तो मानते नहीं ना। अच्छा डेरिंग जी, भाई नहीं आप आपने कुरान से जमीन सीख की रहे बात मौलवी की से? ना, जमीन की बात की, तो वो अहमद रजा बरेलवी साहब ने फौजुल मुबीन अच्छा में कुछ दो इसमें सौ भाई क्या दलीलें होगा, दी हैं इसमें कुरान कौन सी से। बात? अहमद अच्छा साहब बरेलवी साहब ने हो डेरिंग सकता भाई, सही कह दिया हो सकता गलत कह दिया, इसमें क्या है? अच्छा डेरिंग तो भाई यही आप, तो मैं कह रहा हूँ वही तो प्यारे मैं भाई, कि आपको गलत कह ही रहा हूँ कहते भाई। हैं मैं सारे। ये आपकी आर्गुमेंट आपकी दलील नहीं है, ये मेरी दलील है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि इंसान की जो तलीम है, जो इंसान की अपनी तहकीक है, रिसर्च है, उसमें गलती हो सकती है। सही, ये यही मैं तो आपको मैं कह कह रहा रहा हूँ। हूँ। मानी भाई एक सवाल मुझे लेकिन जो करना अल्लाह ताला बताता है, अल्लाह ताला किसी को समझाएगा, अल्लाह ताला सिखाएगा, वो ऑथेंटिक बात है, उसमें गलती नहीं हो सकती। था। अच्छा डेरिंग भाई, उनकी तालीम जो है वो सारी अल्लाह ने उनकी तालीम और तरबियत की है, तो क्या ऐसी क्या खास बात थी उस शख्स में? ये अल्लाह से पूछे, मुझसे क्यों पूछे? तो फिर तो मुझे अल्लाह की ये नाइंसाफी नजर आती है ना, कि अल्लाह ने एक शख्स को खुद ही पैदा किया है, खुद ही हाँ उसको चुन लिया और खुद ही हमारे लिए हाँ जो है उसको रोल हाँ तो मॉडल। ये आपको नाइंसाफी जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं नजर आई नहीं, हजरत कि मूसा उनको को तो अल्लाह खुद ताला ने ही, किताब दे दी है हजरत और बाकी मूसा किसी को दी की, नहीं आपको पता है हजरत मूसा का जो है? वाकया है 7400 नहीं, का, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जो है ना, आपको ये नाइंसाफी नहीं सुन तो नजर ले ना, सुन तो आई? ले, तेरे उनकी क्या अकल उनकी दिमाग है जो तुम? उनकी जो गलती है वो भी अल्लाह ने मेंशन की है इस बुक में, जो उन्होंने गलतियां की हैं जो उसने, इनकी हजरत मूसा की। तो इससे हमने क्या लेना देना, मैं बता रहा हूँ ना कि एक हमारा क्या लेना शख्स, देना? मुझे समझ में आता है ना कि एक शख्स जो गलती कर रहा है फिर अल्लाह जो है, आपकी आपकी सुन तो क्या लेना पहले, हैसियत सुन है? तो लेना, सुन तो ले, मैं फर्क बता रहा हूँ आपको जी कि एक शख्स जो है वो गलती भी कर रहा है, अल्लाह जी उसको अशुद्धा की उम्र में हिकमत और दनाई का इलम भी दे रहा है, उसके बावजूद वो गलती कर रहा है, तो इससे मालूम होता है कि वो जो शख्स है उसकी तालीम और तरबियत में एक स्टेज आती है, वो स्टेज जिसमें वो गलतियां करता है, फिर उन गलतियों से वो सीख के आगे अपनी इसलाह करता है, फिर उसके साथ उसके हम ख्याल जुड़ते हैं, उसके साथ उसकी मजीद जो है वो ग्रिप बनती है, और वो मजीद जो है अल्लाह की किताब का जो इलम है उसको समझने की सलाहियत में चला जाता है। अच्छा अगर आप कहें कि एक शख्स वो जो है वो 40 साल तक जो उसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया,
फिर 40 साल बाद उसको अल्लाह ने खुद ही उसको नबुवत और रिसालत दे दी। क्या सुन ले ये ना, सुन ले बात सुन कर रहे ले, हैं, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं सुन ले ना, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ नहीं, पर्सनैलिटी में। पहले ये बताएं, मुझे समझ तो लगे, नबी पता पाक चले में, बात किसकी कर रहे हैं आप। मैं नबी पाक की बात कर रहा हूँ। तो कहाँ लिखा हुआ कि 40 साल ये हुआ और वो हुआ? कुतुब भी बताती है ना, देखे जैसे कौन जो सी आप कुतुब? सारी कुतुब मानते हैं जो मैंने बचपन से सुनी हुई वो है। भाई मुझे गोली मारो, फायर मार दो मुझे, मेरी अच्छा, तरफ तो मुझे वैसे किसी को भाग आपने दे। जो बात की, चले मैं उस बात पे रहता हूँ देखें बनी इसराइल तारीख। साहब, आपने जो बात करनी है ना, जिस चीज पे भी आपने इतराज करना है, उसको आपने कुरान से साबित करना है, ये अच्छा जेहन में सुन ले रखना। ना, सुन ले, मैं साबित अगर आप करता किसी हूँ। चीज को कुरान से साबित नहीं कर सकते, तो जिन चीजों के आप मुनकर हैं उनमें से आप इतराज कैसे कर रहे हैं? वो तो आपके नजदीक ही सही नहीं है, तो जनाब इतराज किस चीज सुन का? लेना, जो वो तो आपने आपने साइड पे कर आपने जो दिया। आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया है कि उनकी तालीम और तरबियत अल्लाह ने खुद की है, जी, तो मैं आपसे सिर्फ मेरा सवाल ये है भाई मैंने ये कि कुरान से बताया आपको, मैंने कोई किताब से तो किसी और किताब अच्छा से थोड़ी कुरान बताया। कुरान में मुझे दिखाएं अल्लाह ने उनकी कहाँ तालीम और तरबियत की है। अर्रहमान अल्लाम अल कुरान आगे पढ़े, खलकल इंसान अल्लामा अल बयान, इंसान इंसान एक ही शख्स है, वो एक ही शख्स इंसान थे, बाकी हम जानवर हैं सारे। जिनको रहमान ने जिनको कुरान सिखाया वो एक ही है। तो जनाब रहमान खलकल इंसान जमा में है, जमा में, और ठीक है जी, खलकल इंसान उन्हीं को अल्लाह कह रहा है, वो अल्लामहुल बयान, उन्हीं जी को अल्लाह बयान भी सिखा रहा है। ये जो जमा में जी इंसान है, ये बाकी इंसान कौन से हैं? कौन सा इंसान जमा में? ये जो अल्लाह कह रहा है खलकल इंसान, हैं ये इसमें एक शख्स की बात हो रही है या पूरी एक की हो रही है? एक की हो रही है, और कितनों की हो रही है? अच्छा इंसान में एक शख्स आता है, जब अल्लाह कहता है वाला कद जिनको कुरान खलक, सिखाया वहां पे एक ही है जनाब, जब अल्लाह कहता है वाला कद खलकनल इंसान फी जी, अहसन बिल्कुल तकवीम, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अल्लाह ने एक ही शख्स को अहसन तकवीम से खलक किया है, या सबको अल्लाह ने अहसन तकवीम से खलक किया है? सबको अहसन तकवीम से अल्लाह आपका भी खलक किया, लेकिन बात सुने, अल्लाह ताला ने इंसान सारों को ही अहसन तकवीम से खलक किया है, लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह ताला अहसन तकवीम बयान कर रहा है, किससे अहसन तकवीम? मतलब कि जो दूसरी मखलूकात है, दूसरी मखलूकात के मुकाबले में इंसान को अहसन बनाया है। तो अल्लाह की किताब में कोई और में अल्लाह ताला ने बाहर कहीं इसी का यूज करना था, और क्या करना था? अच्छा इंसान के अलावा भी कोई मखलूक है अल्लाह की किताब में? ये देखें जानवर, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कौन सी है मुझे मखलूक बताएं जिसको अल्लाह ने अहसन तकवीम से पैदा किया हो? तो भाई अहसन तकवीम से इंसान के अलावा किसी को नहीं पैदा किया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इतनी उसकी सारी कोई दलील दे मखलूकात ना, पैदा, आप कुरान की बात कर रहे थे ना, तो कुरान भाई से सुन तो भी तो ले ना, हाँ जी बताएं। अहसन तकवीम में सिर्फ इंसान को पैदा फरमाया ना, लेकिन जब अल्लाह ताला ने ढेर सारों मखलूकात पैदा की, तो उनमें से अल्लाह ताला ने बनाया बताना था कि इनमें से किस मखलूक को मैंने अहसन तकवीम में पैदा किया, तो बताना था इंसान को। होगी आपकी बात? हाँ जी हो गई। अच्छा जिन जो है ये इंसानों में आते हैं नहीं आते? नहीं जिन इंसानों में कहा, जिन अलग मखलूक है, जिन अलग मखलूक है, तो जिन को अल्लाह जो कहता है वमा खलकतल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, तो उसमें तो अल्लाह इंस और जिन दोनों को कह रहा है कि उनको मैंने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। बिल्कुल ऐसा, तो उसकी अगर अहसन तकवीम ही नहीं होगी तो वो अल्लाह की बंदगी कैसे करेगा? किसकी? जिन की। जिन की? हाँ जी। अच्छा ये कहाँ लिखा है कुरान में कि जिसकी अहसन तकवीम ना हो बंदगी नहीं कर सकता? आप दिखा दें इसके अलावा अगर मुझे कोई ये भाई बात ये आपने की है तो साबित मैं करूं। जनाब पूरी किताब में मुझे वो दिखा भाई दें बात तो, आपने की है कि जो अहसन तकवीम नहीं है वो कैसे इबादत कर सकता है, सबूत मैं दूं इसका? जनाब आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा हूँ ना तो बिल्ड कर रहा है, इसकी दलील भी सुन ले, दे ये जनाब मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह ने कैटेगोरी कर ली। बनी इसराइल साहब आपने कहा कि जो अहसन तकवीम नहीं है वो कैसे इबादत कर सकता है, पहली बात तो ये है कि आपने ये सवाल कर दिया डायरेक्ट अल्लाह ताला की जात पे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप इसकी दलील देंगे हमें ना कि जो अहसन तकवीम में ना हो वो इबादत नहीं कर सकता, ये दलील मैंने देनी है। अच्छा ये जो अल्लाह ने इधर दो कैटेगरीज का मेंशन किया, अल्लाह ने इधर सारी कैटेगरीज को क्यों नहीं मेंशन किया? अल्लाह ताला से पूछ लो, मैं अल्लाह हूँ। नहीं फिर अल्लाह ताला से आप बन के आए हैं ना, आप ऐसे बन के आए हैं कि आप अल्लाह के मैं आपसे पूछूं भाई अल्लाह ताला ने आपको क्यों नहीं मेंशन किया इसमें, आपका नाम क्यों मैंने बताया? आपसे पहला सवाल टिकटॉक पे बैठ के ये बंदा है कागज झूठ बोलेगा फिर क्या कहेंगे आप? देखिए आप एक चीज को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि नबी पाक में ऐसी क्या खास बात थी कि अल्लाह ने उनकी तालीम और तरबियत की है डायरेक्टली, बाकी जो नबी हैं वो गलतियां भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिकमत भी दे रहा है, किताब भी दे रहा है, इल्म भी दे रहा है, दानाई भी दे रहा है, लेकिन फिर भी वो गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वाहिद एक नबी पाक है। ये आपका ना, पहले कॉन्सेप्ट सुन है, तो लेना, मेरी मैं बात आपको, सुन ले, आपको फर्क मेरी बात दिखा रहा हूँ फर्क। पहले मेरी बात सुन अगर ले, आपने दो बार जो बात कर ली है, तीसरी बार भी ये रिपीट करें, चौथी बार भी ये रिपीट करें,
पहली बात यह है कि अम्बिया कराम जो हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात उम्मत तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं करते, नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि चूंकि तमाम अम्बिया कराम जो हैं वो बशर होते हैं, इंसान होते हैं, तो इंसान होने के नाते ज़ाती तौर पे उनमें बशरी कमजोरियां मौजूद होना मुमकिन है, कहीं भूल जाना मुमकिन है, कहीं किसी बात में जो है वो कोई ऐसी मामला कर बैठना जो कि हकीकत के बरअक्स हो, ये मुमकिन है, ये बशरी तकाजे और उनके ज़ाती अमाल है। लेकिन कोई पैगंबर जो है, कोई रसूल जो है, वो अल्लाह का पैगाम और अल्लाह की ड्यूटी सर अंजाम देने में कोई गलती नहीं करता, ये हमारा कैदा है। आपके अच्छा, नज़दीक अगर वो ये गलतियां करते हैं, वो भी गलतियां करते हैं, उनको भी कुछ समझ नहीं आती, तो फिर मुझे बताएं आपका क्या कसूर था, अच्छा चले जी, मैं दिखा आपने क्यों देता नहीं हूँ उनकी जी जगह अल्लाह गलती। ताला ने बना दिया। ये जी मैं गलती आपको दिखा देता हूँ जी, ये देखिए जी बताएं गलती, ये है जी गलती। सबसे पहली जी। ये अल्लाह कह रहा है, या अय्युहन नबी जी लिमा तो हर्रिमु, जी जी ऐ नबी क्यों आप हराम करते हो, हराम। जी जी ये कोई गलती नहीं हो रही इधर, डायरेक्टली अल्लाह क्या उनको एड्रेस कर रहा है कि क्यों आप हराम करते हैं, मा अहल्लल्लाहु उसको जो हलाल किया है अल्लाह ने, नबी क्या कर रहा है, हराम को हलाल कर रहा है, लाका आपके लिए तबतगी आप चाहते हैं मरजाता रजामंदी अजवाजिका अपनी बीवियों की, वल्लाहु तो ये मूसा अलैहि गफूरुर सलाम से पूछे कि क्यों गलती कर रहे हैं। जनाब। हम तो मानते हैं कि जनाबे मूसा की जो गलती है अल्लाह ने एड्रेस की हुई है, आप लोग नहीं मानते ना कि नबी पाक ने कोई गलती नहीं की, तो उनकी तो गलती सबसे बड़ी ये है कि अल्लाह उनको क्या एड्रेस कर रहा है कि वो कुछ नहीं, हराम ये कर। मूसा अलैहि सलाम की गलती है ना, जनाब क्यों क्यों नबी पाक नबी नहीं थे, तो मैंने वो भी नबी थे, लेकिन ये फिर गलती ये जब मूसा अलैहि अल्लाह ने सलाम इधर की है, नबी लिखा हुआ है तो फिर तो इसमें लेकिन ये तो मूसा अलैहि सलाम की गलती है ना, ये नहीं, नबी करीम इधर कोई सल्लल्लाहु ऐसी अलैहि वसल्लम बात की नहीं नहीं। हो रही कि जनाबे मूसा का जिक्र आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही, ये तो सूरत शुरू हो रही है तो फिर भी और ये आप मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है ना कि उनकी गलती बताई जा रही है। अभी तो आप खुद कह रहे थे कि मूसा अलैहि सलाम की गलती अल्लाह ताला ने एड्रेस की अच्छा ये है। सारा जिक्र मूसा अलैहि सलाम के बारे में हो रहा है, अब जहां पर फिर नबी रसूल आएगा वहां पर सिर्फ मूसा ही आएंगे, तो ये और याद किसका रखें। जिक्र हो रहा है, और किसका जिक्र हो रहा वमा है? अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये भी जनाबे मूसा को अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे, ठीक है मानते हैं इस चीज को कि आगे मूसा जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है, मानते हैं इस चीज फिर को, इससे देखें मेरे भाई बनी इसराइल मानते साहब, हैं या नहीं मानते, अभी आपने तो रूल एक मेरी सेट सुन ले किया ना है। बात, मेरी सुन ले, मेरी सुन चलिए ले। सुनाइए जी। इससे साबित भला क्या होता है, इससे साबित ये हुआ कि सारी गलतियां हजरत मूसा अलैहि सलाम ने की हैं, नऊज बिल्ला, हमारे पैगंबर की गलती दिखा दे। हाँ तो ये लिखी तो हुई है पूरी आप तो उम्मत कह रहे हैं जो मूसा आपकी, अलैहि सलाम के बारे में, पूरी आपकी उम्मत जो है वो इधर या तो यूं भाई ये तो नबी मूसा से, अलैहि सलाम के बारे में ओ है जनाब ये आप पहले बंदे आके हमें यार, बेवकूफ हाथ धोगी बनाने ये की मूसा अलैहि कोशिश कर सलाम के रहे बारे में, हैं, उनको नहीं दी गई किताब। ये पूरी जितनी भी या यूं नबी वाली आयतें आती हैं ये सारी आप कहते हैं नबी पाक ओ के भाई लिए हम इस्तेमाल हुई हमारे है, पीछे चलो जी, मैंने पहले कहा मुझे गोली मार जनाब दो आपसे मुराद कि आप उसी को आप मुझे फॉलो गोली करते मार हो। दो, मुझे गोली मार अच्छा दो, इसके पीछे मैं शाने मेरे नजूल पीछे क्यों भाग दिखाऊं, रहे हो? इसके नीचे शाने नजूल दिखाऊं, और नहीं, शाने नज़ूल शाने कहाँ पे नज़ूल है? दिखाऊं आपकी अहदीस की कुतब जो आप कह रहे थे कि अकेला कुरान पढ़ने वाला, खुल सुन ले ना जा सुन अल ले हक्कु वजह कल बातिल। जा अब शाने नज़ूल देखने के लिए बेचारे को भाई हमारी जान अहदीस भाई में जाना जान, मैं पड़ रहा है, आपको दिखाऊं ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सदके ये तेरे कुरान क्यों उन्होंने हराम किया है, क्यों उन्होंने हालांकि हलाल करदा वो चीज को भाई ये हराम मूसा अलैहि किया, सलाम की बात नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, मानते हैं ना आप ये आप जनाबे मूसा बताएं की कि हो बात रही है नहीं हो उनकी रही, या नहीं हो रही, नहीं आप मानते हैं ये मूसा की बात नहीं हो रही, मुझे मनवा लें कि ये मूसा अलैहि सलाम की नहीं हो रही, तो किसकी हो रही है बात आपने मनवाना है मुझे, जनाब, ये किसकी हो रही है, मैं मनवाने के लिए नहीं कुरान बैठा, कुरान मैं तो एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहा समझा तो हूँ, दे ना, समझ में आ जाएगी तो मैं मान लूंगा। तो ये कौन है फिर, या अय्युह नबी कौन है, कौन सा नबी है ये, कौन या अय्युह नबी लिखा हुआ है ना, है ये बताएं और जनाब आपको नहीं पता कौन से नबी है, यार, मुझे समझाएं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा अभी देखें बिल्कुल ये जो है ये सब कुछ भूल गए हैं, जो और कुछ मैं नहीं भूल गया, अभी मैं नहीं थोड़ी भूल देर गया, पहले ये दाई बन मैं के नहीं भूल जो गया, मुझे, आप बंद गली में नहीं आके खड़े अभी अभी दाई बन हो के मुझे कुरान पढ़ना सिखा रहे थे, अभी मेरे भाई को ये भी भूल गए भाई, कि या अब नहीं अय्युह भाई, नबी, अब मेरे भाई, अब बताएं कि ये अब मूसा या अलैहि सलाम अय्युह है, नबी में अगर मेरे मूसा भाई अलैहि सलाम को, नहीं है तो बताएं कौन है, मेरे भाई को ये भूल गया है कि या अय्युह नबी में कौन सा नबी आता है जिसको अल्लाह बता कह दे रहा है मुझे भाई, मैं तो लिमा सुनने के लिए बैठा तो हूँ, हर्रिमु, लिमा तो परेशान क्यों हो हर्रिमु, रहे हैं बताएं, जनाबे मूसा ने वो तो भाई जरा मैंने पढ़ लिया अगली अच्छा सारी आयत पढ़ ली, अब नाम भी सुन तो ले बताया ना, ये कौन से नबी की बात हो रही है, सुन ले
हाँ जी। अब आपकी पूरी उम्मत का इजमा है कि या अय्युहन भाई नबी मेरी मोहम्मद, उम्मत को छोड़े, मेरी उम्मत के पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? आप उनको फॉलो करते हैं ना, तो आप ही आप की तो नहीं उम्मत ना के पीछे करते, तो भागेंगे, आप हम नहीं ना नहीं करते, करते आप ना। क्यों उसको एविडेंस बना रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ये अल्लाह मुझसे खिताब कर रहा है। आपसे खिताब कर रहा, तो चलो तुसी बिल्कुल गलतियां की थी ना, हमारे पैगंबर की गलती दिखाएं। तो हाँ तो मैंने की है बहुत सारी ऐसी अल्लाह की हलाल, आपने की है ना, तो मैं हमारे बता पैगंबर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती दिखाएं। जिनको आप कह रहे हैं उनको तो अल्लाह ने बशर नहीं कहा ना, पूरी किताब में कहीं कहा है बशर? किनको? जनाबे मोहम्मद को, नबी पाक को, कहीं पे अल्लाह ने उनको बशर कहा है पूरी तो यार किताब बशर की तो अभी बहस नहीं चल रही है, आप हाँ तो कैसे जोर से समझ आप तो रहे कहीं है, हैं जाते कहीं हो आप तो। उनको फिर इंसान कैसे समझ रहे ओ हैं? भाई वो मैं आपको बता दूंगा, ये अभी बहस नहीं हो रही है, आप बहस ये हो रही है कि हमारे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती है तो दिखाएं। डॉक्टर डेरिंग भाई आप जो हीटेड डिबेट और नहीं कर रहे हैं। वकास वकास बंद कर दे, कुरान खोल सीरतुल नबी और गलतियां दिखा, खोल चलो सीरतुल नबी हीटेड हीटेड डिबेट नहीं खोलो। करें डॉक्टर डेरिंग भाई हीटिंग अरे अब कुरान कुरान थोड़ी पढ़ेंगे, अब तो सीरतुल नबी से दिखाएंगे। नहीं यार सैयद सैयद साहब आए हैं, शाह साहब आए हैं, तो उनसे बात कर। भाई कुरान किधर गया? कुरान साहब कुरान किधर गया? भाई आपने कहा गलतियां बताएं तो सीरतुल नबी पे जाएंगे ना, नहीं नहीं सीरतुल नबी पे जाएंगे। हाथ खड़े कर दो भाई, बात खड़े कर दो कि गए आप यार। अभी अभी यार अब नबी यार पाक सूल सल्लम की सीरत दिखाने अभी के लिए मैं आपको दिखाता सीरत हूँ की किताब में जाना पड़ रहा है जनाब, अभी दिखाता हूँ यार। रसूल क्रानिस्ट हो गया, अभी एक मिनट अब रुके जी, छोड़ दो मुझे इसको मुझे एक आर्गुमेंट बिल्ड करने दें, सिर्फ एक मिनट दें। यार रसूल क्रानिस्ट पुराने दिखाएं, पाक भी पुराने पाक में कहा हमारे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो को गलती कुतुब की है। हकीकत है वो भी तो लोगों को दिखानी है ना, अभी मैं एक आर्गुमेंट अच्छा बिल्ड ऐसा करने करते लगा हैं बनी इसराइल, गल बात सुनो शाह साहब से बात कर रहे हैं, वो वैसे भी अच्छा डॉक्टर भाई वैसे भी जाने वाले थे नहीं और वो नहीं जाएंगे। अच्छा एक इधर ही आर्गुमेंट सिर्फ मुझे बिल्ड करने दें शाह साहब, उसके बाद बात कंटिन्यू। अरे बिल्ड करना थे अच्छी जरा मुझे कर ले कर लिखा हुआ है या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्ज़ात अज़्वाजिका वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह नबी को कह रहा है क्यों आप हराम, मैं दिखाता हूँ ना कौन है, डॉक्टर है नबी, आप क्यों हराम करते हैं उसको जो हलाल किया है अल्लाह ने आपके लिए। आते हैं रजामंदी अपनी बीवियों की, अल्लाह बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। बिल्कुल अच्छा अब मैं आपको दूसरी आयत में दिखाता हूँ जी, इन्होंने क्या हलाल को हराम और हराम को हलाल किया है। ठीक है जी, इतना बड़ा मसला बनी इसलिए, इतना बड़ा मसला नहीं, मामूली सा मसला, एक मिनट की काम है। नहीं नहीं मसला नहीं, मुझे तो पहले पेश करने दे इनको, फिर आप एक मिनट ले लीजिएगा ना, एक मिनट में हो अगर ये आप तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो जा रसूल साहब ने आपसे सवाल किया उसका जवाब दें। अच्छा ये भी देख आप लेना, पहले आया देख ले, सवाल ये आयात यार पहले भी आपने दिखाई है, दो चार और दिखा दे। अब सवाल ये बताएं है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है? अच्छा सुन लेना भी दिखाता हूँ ना, सवाल ये है कि या इसी किताब में आप कैसे करेंगे? शाह साहब दो मिनट दे दें प्लीज, उसके बाद आप करिएगा मेरे से सवाल करिएगा, मसला नहीं है बस यार दो मिनट। आयत जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पता है, पहले पता है इस आयत का हमें पता है, क्या कह रहा है वयसअलूनका अनिल महीस, वो आपसे सवाल करते हैं हैज के बारे में, अब उनको आगे क्या अल्लाह क्या कहलवा रहा है? वही बात सुनो, एक मिनट ओ एक मिनट रुको यार, कह दीजिए ओ एक मिनट रुको यार रुको, ये मूसा अलैहि सलाम की तरफ मूसा अलैहि सलाम, ओ एक मिनट यार रुक जा, वादा बिल ओ एक मिनट यार, क्यों क्यों झगड़ा क्यों यार, आहिस्ता आहिस्ता बात करो यार, बारी बारी से बात करो, नहीं है दरमियान में चले यार रसूल साहब, इनको बोलेंगे कि आप सवाल करें, ये अल्लाह क्या उनको कह रहा है कि वो सवाल करते हैं आपसे हैज के बारे में, कह दीजिए कि वो अजियत है तो अलग रहो औरतों से हैज में, ठीक है वला तक्रबुहुन्ना और ना तुम करीब जाओ उनके, हत्ता यतहुरना यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, फाइजा ततहरना फिर जब वो अच्छी तरह पाक हो जाएं, फतूहुन्ना तो आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह जहां से हुक्म दिया है अल्लाह ने, इन अल्लाह युहिब्बु तवाबीन तो बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से। तो अभी अब रुक जाए, अब रुक जाए यहाँ पे, रुक जाए नहीं, मुझे पहले पूरी बात तो कर लेने देना तो बात साहब, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि उन्होंने हलाल को हराम कैसे किया है, वो मैं दिखा रहा हूँ पहले देख लो। इसका जवाब,
इसका जवाब देते हैं आपको। जनाब पहले पूरी बात तो कर लेने दें ना, जवाब में ले लेता हूं। आप तकरार कर रहे हैं, रुक जाए ना, सब्र कर, सिर्फ सब्र कर ले, दो मिनट और काफी देर से शाह साहब उनको एतराज पूरा कर लेने दें, फिर आप बात कर लीजिएगा, फिर आपको पूरा टाइम अल्लाह उनको क्लियरली कह रहा है कि जब भी आपसे वो सवाल करते हैं हैज के बारे में तो कह दीजिए वो अजियत है। अब वो खुद ही कह रहे हैं, अल्लाह उनसे कहलवा रहा है कि अजियत है तो तुम अलग रहो औरतों से हैज में। अब ये वो आगे कह रहे हैं, ये जो है अल्लाह का हुक्म। अच्छा अभी आपको दिखाते हैं जी, होगी बात जी पूरी, अभी तो है मदद की चीज, बात पूरी हो गई। एक मिनट रुके इधर रुके, मेरा सवाल ले लें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हैज के बारे में बातें कर रहे हैं। जनाब रुक जाए, अभी बनी इसराइल रुक जाए, ओए बनी इसराइल साहब इधर बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हैज की बातें कर रहा है। ओ जनाब सवाल भी आपका लेते हैं जरा, ओ भाई मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हैज की, ओए होए 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 होए, ये जी ओए मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हैज की बातें कर रहा है। अताते रसूल पे आ गए जी, सही बुखारी, भाई मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हैज की बातें कर रहा है, ये बताएं पहले मुझे, ये देखे ये देखे जी ये देखे, ये भाई मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला हैज की बातें कर रहा है, सही बुखारी, बुखारी नहीं सही बुखारी, हदीस नंबर 299 होस्ट यार मेरे पास है एक जगह, क्या यार कसम से क्या यार, शुक्र लगा ले यार, शाह साहब आए हुए हैं, इनको मौका दो यार, इसको रोकें अब, उन्होंने कुरान इस किधर गए जनाब, अल्लाह यार शाह साहब को मौका दो भाई, आप इसको रोकें, बनी इसराइल को जो कह रहे थे कि उसको बात, जनाब अल्लाह इधर उनको क्या कह रहा है, नहीं तो मुझे नहीं रोक पाएंगे, इसको रोकें अब, इसको रोके, मैंने कुराने पाक पे सवाल करना है इसे, रोके इसको यार, आप बंद करें बुखारी शरीफ को, कुराने पाक खोले यार, ये मैं बुखारी शरीफ को बंद करके कुराने पाक खोले, मैंने सवाल करना है, फिर जाना इधर का बुखारी शरीफ, चार साहब को भी यार, यार बुखारी शरीफ, बुखारी पलीत को बुखारी शरीफ को बंद करके कुराने पाक को खोले, मैंने सवाल करना है, सब लोगों ने कहा था इसको आर्गुमेंट मुकम्मल करने दे, फिर आप बात कीजिएगा यार, रसूल यार कुराने पाक से बात मुकम्मल होगी ना, पहले कुरान से मेरा सवाल, अभी तो मैंने दिखाया नहीं है कि हलाल को हराम, लो जी बंद करो माइक, कौन बंद करो मौलवी का माइक, कौन फिर तुझे कहते भी रोला ना पाया करो यार, अभी आपने मैं कितनी तमीज से बात कर रहा हूँ, आपको रास नहीं ना सुनना, ये देख तो लेना, ये देख तो भाई, मेरा सवाल पहले लेंगे तो बाद में दिखाएंगे आप, बाद में लूंगा, पहले मेरा सवाल मैंने बोलने नहीं देना, लगा लो जोर, मैंने नहीं बोलने देना, या मुझे नीचे उतारो या मैं बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो सवाल लोगे मेरा, मैं नहीं बोलने दूंगा, मेरा सवाल जब तक नहीं लेते, कुरान से भाग रहे हैं, पुराने पाक से, पुराने पाक से भाग रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, कर लो यार, कर लो यार, तू ही दो मिनट खामोश हो जा यार, कुरान पाक की वो आयत खोलें जी, आपको आपको एक मिनट गुजारिश ये है, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, फिर उसके बाद अल्लामा ज़ियाउर रसूल साहब बात करेंगे जी, शाह साहब बोले, बनी इसराइल साहिब अब आप मेरिट पे गुफ्तगू नहीं कर रहे, पहले सवाल ये होगा कुरान मजीद की जो आयात बजीदात हैं, पहले आपने ये साबित करना है कि ये इन आयात का मुखातब कौन है, हां जी मैं बड़े मेरिट पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, और कोई मैं जिदबाजी नहीं करूँगा, कज रवि नहीं करूँगा, बनी इसराइल सब आप पर पहले सवाल ये आएगा कि जो आयात मुकदसा आपने बयान की हैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की अल किताब की, आपने पहले ये साबित करना है कि इन आयात का मुखातब कौन, इनसे मिसदाक कौन है, वो आप साबित कर ले, फिर ज़िया रसूल साहब आपके सवाल का जवाब देंगे जी, ज़िया साहब आप बोलिए, मैं इस सवाल को और क्लियर कर देता हूँ, आपने इन आयात से ये साबित करना है, इस बात का सबूत देना है कि ये आयात उन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनसे मुखातब है, खिताब है इनमें, जिनका जिक्र बुखारी शरीफ में है, फिर आप एतराज करेंगे, मैं एक और भी ऐड कर दूं, अपना आसिफ भाई और आसिफ साहब, और मैं एक और भी ऐड कर दूं, जब ये बनी इसराइल साहब ये साबित कर देंगे, फिर मेरे ऊपर और ज़िया रसूल पर लाज़िम आए, शाह साहब मेरी बात मुकम्मल कर लेने दें, कर लेने दें मानी भाई, कर लेने दें इनको बात, ये जब साबित कर देंगे कि इन आयात का मिसदाक, इनका मुखातब, ये किसको खिताब किया गया, इस पर ये आयात आ रही है, उसके बाद ये हमारे ऊपर होगा कर्ज,
क्या इन आयात के जो सही मफाहीम है मानी सूरह तहरीम का, और ये हम फिर इंशाल्लाह बयान करेंगे, वो बिल्कुल आपको जस्टिफाई कर देंगे कि बिल्कुल नेचर के नहीं, हाँ आप बात करें साहब, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बात गलत, फिलासफर साहब आप चुप कर जाइए। देखो आपके सवाल का मैं वकास साहब, मैंने आपको भी मौका दिया, बंद करें माइक। मैंने शाह साहब एक सेकंड वकास, एक सेकंड, मैंने शाह साहब आ रही है, हमारी बात हो रही बनी इसराइल से, आप चुप कर जाइए। आप मेरे भाई, मेरे भाई आपने सवाल किया, अब चुप कर, आपने सवाल किया मैंने सुना, माजरत से मेरी बात, मैंने फिर इनसे कह देना कि आपको इधर बड़ी स्क्रीन पे कर दें। प्यारे भाई आपने सवाल किया मैंने सुना, आपने सवाल किया मैंने सुना, शाह साहब ने सवाल किया मैंने सुना, स्क्रीन पे कर दें, बनी इसराइल साहब को कहें थोड़ी देर रेस्ट करें, इनको करें बड़ी स्क्रीन पे, ये ले जी कर दिया। प्यारे भाई मैं बनी इसराइल को ही रहने दें, बेशक बड़ी आप करेंगे अब बात, आपको बड़ी स्क्रीन पे रहने दें, आती है पहले भी तीन चार बार बड़ी तेज आई है, रुकती नहीं आपसे। अच्छा अब ज़िया रसूल आप वालों को पानी दोनों कर लें, हम खामोशी रखेंगे यार। नहीं आसिफ भाई, मुझे बात यह है कि इस बंदे को मैंने पहले भी कहा है कि यार तुम चुप कर जाओ, तुम्हें जो बातें आई हैं बाद में पूछ लेना, एक बंदे से गुफ्तगू चल रही है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आसिफ भाई हर बंदा जो भी देख रहा है, जो भी बंदा देख रहा है सबको पता है, आपसे गुफ्तगू नहीं है, मुझसे वो करे क्वेश्चन, मैं उससे कर रहा हूँ, हम दोनों बात कर रहे हैं यार, पहले मुझे आर्गुमेंट बिल्ड करने दे, उसके बाद जो भी बंदा देख रहा है, जो भी बंदा देख रहा है सबको पता है बीच में टोक कौन रहा है, सबको पता है बातें तेजी से आई किसी की, गुफ्तगू चल रही है मेरी और बनी इसराइल की, वो मुझे टोके मैं उसको टोकूं, हमारा मसला है। आप सवाल जो है ना प्रूफ ऑफ बर्डन, शाह साहब को भी तो आपने मौका दिया ना बीच में बोलने का, अगर वो भी कोई बात रखना चाह रहा है तो उसको रखने देना आप। हेलो एम्बुलेंस आ गई, चलो जी रख लो जी, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। आप बात बेशक जारी रखिएगा, इसके बाद आप एक चीज़ पे बिलीव करते हैं और उसका प्रूफ ऑफ बर्डन आप हमारे पे ना डालें, ये जो चीज़ आप बिलीव करते हैं उसको हम डिसप्रूव कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि ये आयात जो है वो मोहम्मद पे नाजिल नहीं हुई, ये उनके लिए नहीं थी, वो यहाँ इन आयात में मुखातिब नहीं है, हमारा ये क्लेम है। आप लोग ये क्लेम करते हो कि ये मोहम्मद पे आई है, बल्कि आपने इन पे शान नजूल लिखे, फिर अहदीस लिखी, सो ये प्रूफ ऑफ बर्डन आप हमारे पे ना डालें, ये टैक्टिक्स ना इधर चलाएं बराए मेहरबानी। तो जो आप अपना बिलीव रखते हैं आप उस पे कायम रहे, उस पे कायम रहते हुए आप सुनने, मेरी बात पूरी सुनने, फिर आप बोले मेरी बात सुनने पूरी, आपकी बात से मुत्तफिक है जी, ज़िया रसूल साहब मेरे मुकम्मल करता, मेरी बात पूरी सुनने जी सुनाए जी, आप मेरी बात पूरी सुन लें फिर उसके बाद आप बोले, बेशक दो घंटे बोले, ठीक है बोले। नहीं दो, शाह साहब इधर बैठे हैं, डॉक्टर शाह साहब इधर बैठे हैं, डॉक्टर ज़िया साहब बैठे हैं, जितने भी बंदे मुसलमान मेरे भाई सुन रहे हैं, हर बंदे का ये बिलीफ है कि ये आयात ये कलाम मोहम्मद से हुआ है, हर बंदे का ये बिलीफ है, सही है। हम उसका इनकार कर रहे हैं, हम प्रूफ देंगे इनकार का, आपने प्रूफ देना है कि ये आयात उन पे हुई हैं, आप अपना बर्डन हम पे ना डालें, माजरत के साथ अपना सवाल सही करें पहले। बात मुकम्मल होगी आपकी, क्या खूबसूरत बात की मानी, अच्छा ठीक, नहीं जवाब बड़ी खूबसूरत, बड़ी बदसूरत बात है लेकिन जवाब ये पहले से क्लास में इसको मैंने कहा था, ये पहले भी ऐसे आगे बाऊंगी। मैं चले शाह साहब का बयान सुन ले जी, शाह साहब नहीं, शाह साहब को सुने यार, क्यों नहीं सुन रहे, सुने जी शाह साहब बोले, नहीं मानी साहब को पूरा मौका मिला, उन्होंने बात कर ली जी। ज़िया रसूल साहब आप, मैं मानी साहब का जवाब अर्ज कर देता हूँ, सुनिए जनाब, गुजारिश ये है आपने, चूँकि दावा पहले आपका है, हमारा बिलीफ क्या पूरी उम्मत मुसलमा का अहल इस्लाम का सब का आपको भी खबर है, लेकिन आपने ये जो कज बैसी है आपने की है, दावा आपने किया है, अब आप या तो माने कि जहाँ या अय्युहन नबी पूरे कुरान में है, ये नहीं होगा कि दो आयात आप किसी और के लिए रखें और दो आयात किसी और पर ले दें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा धोखा दजल नहीं होगा, उसूल एक ही होगा, जाप्ता एक होगा, उस जाप्ते को पहले तय कर लें। ये सूरह तहरीम भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये दो मिनटों की बात है, उसको आपको समझा दे दें, मसला कोई नहीं है, लेकिन उससे पहले जिसको खिताब है हमने ये तय्युन करना, खिताब किसको है, खिताब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, अगर है तो हर जगह उन्हीं को होगा, अगर सैयदना मूसा अलैहि सलाम को है तो फिर हर जगह उन्हीं को होगा, ये पहले तय्युन कर लें जी। अब ज़िया साहब आप बोलिएगा,
जी बस यही क्वेश्चन मेरा है, ये तो वो मुर्दा बोले कफन फाड़े, इस बेचारे ने उन दोनों को बंद गली में ला खड़ा कर दिया। चले मैं शाह साहब आपके बनी इसराइल हो सकता है, कोई ना कोई रास्ता निकाले था इसने, निकल रहे जी बनी इसराइल, आपको पता है मूसा के साथ रहे हैं, उनको रास्ता पता है। हाँ जी जनाबे मूसा ने समुन्द्र को फाड़ के जो रास्ता बनाया था ना वो जी, आ जाए आ जाए। अच्छा देखें, या अय्युहन नबी पे अगर एक आयत भी डिसप्रूव होती है जनाब नबी पाक के लिए, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि ये नबी या अय्युहन नबी से मुराद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, एक आयत भी डिसप्रूव होती है। अच्छा मैं आपके सामने डिसप्रूव करूंगा अभी बैठ के, अच्छा फिर आप अपना आर्ग्यूमेंट उस पे बिल्ड करिएगा, मैं एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड करता हूँ। ये जो आपने आयत पढ़ी है अभी यार, अभी है इसके बारे में ना डेरिंग भाई, इसमें इस आयत में या अय्युहन नबी जो है इसमें कौन से नबी मुखातब? मैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ही लेके बात कर रहा हूँ, अभी मैं डिसप्रूव कर रहा हूं। नहीं आप इसको इस पे आप एक अपना मौकफ दे, जो भी है मूसा अलैहि सलाम है या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यार आप जब बात करते हैं अधूरी छोड़ के चले जाते हैं, हम आपसे अब हमने कभी कहा है आपसे कि आप क्यों नहीं बात मुकम्मल करके जा रहे, वो तो बात भी अधूरी है। मैंने वो बात उसको पूरी करना मेरे जिम्मे किया है, मैंने उसको खत्म नहीं किया। डेरिंग भाई वो बात मेरे जिम्मे है, एक एक आयत में प्रूफ करूंगा कि इसमें मुखातिब कौन है, एक एक आयत जो जिसमें या नबी आ रहे। आप ऐसा करें मुझे टर्न दे, मैं आपको कुरान पहले पढ़ के सुना। नहीं नहीं आप देखिए मुझे मौका नहीं देते आयत पढ़ने का, और अपनी बारी आप आयत बाबा सारी पढ़ लेते। अच्छा, पहले मुझे मौका दें। नहीं पहले आप मुझे टर्न दें एक। अच्छा, आपकी मेहरबानी, मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है जी, उसके बाद आपने पढ़ के सुनानी, ठीक है जी। जी आप ले टर्न, मैंने अगर एक भी आयत डिसप्रूव कर दी तो या यू नबी से जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भाई मेरा, तो देखिए आप इतना लंबा जो घूम रहे हैं, आप मुझे सीधा सीधा अपना मौका बता दें। इसमें अभी जो आपने आयत पढ़ी है या अय्युहन नबी से कौन मुराद है? डेरिंग भाई दो बातें हो सकती हैं, या आप अपना आर्गुमेंट रखें या अय्युहन नबी पे, मैं उसको कुरान की आयत से और आपकी कुतुब से उसका रद्द करूंगा। जनाब अभी मेरी बात सुने, सुन ले ना, सुन ले पर पहले बात तो सुन ले। या मैं रखता हूँ आर्गुमेंट कि ये जो है या अय्युहन नबी से मुराद कोई और है, आप उसको जो है अपनी कुतुब से या अल्लाह की किताब से डिसप्रूव कर दें। देखें बनी इसराइल साहब, आप पहले भी तीन चार बार यही काम कर चुके हैं भी, आपको लगता है मैंने कभी बादाम नहीं खाए? मैं रोज बादाम खाता हूं, आपको क्या लगता है आप मुझे इस तरह घसीट के ले जाएंगे? पहले भी आपने यही काम किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो कलमात आया वो गुफ्तगू नहीं हो रही थी, आप चाहते थे कि वो पॉइंट निकल जाए पीछे रह जाए, मैं दूसरी तरफ ले जाऊं। भाई मैं रोज बादाम खाता हूं, दूध भी पीता हूं, साथ परेशान हूं, मैं नहीं जाने दूंगा भाई। आपने बनी इसराइल साहब, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। आपने बोला कि मैं ये तरीका है नहीं गुफ्तगू का, ये सिर्फ बात को जो है ना खराब करने वाली बात है। किसी बात पे भी नहीं आ रहे यार, देख मैं क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको कहीं और जाने नहीं दे रहा। देखिए या तो आप आर्गुमेंट, सवाल मेरा ये है कि आपने जो आयत पढ़ी है, बात हो रही थी मेरी, सुने बात है एक मिनट। हाँ। नहीं मैं बात घुमाने नहीं दूंगा, इतने लोग नीचे सुन रहे हैं, सबको हाँ। पता क्या बात हो रही थी? बात ये हो रही थी, आपने कहा कि कुरान पाक में किताब में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की गलतियां बयान की हैं, वो बशर से उनसे गलतियां हुई हैं, तो आपने फिर कहा कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलतियां नहीं हो सकती, उनसे गलतियां नहीं? मैंने कहा दिखाएं। आपने उसके लिए एक आयत पढ़ी, आयत पढ़ के आप उसके बाद गए बुखारी शरीफ में, आप दिखाना ये चाहते थे कि इस आयत में भी चूंकि हैज का जिक्र है, बुखारी शरीफ में भी एक रिवायत है जिसमें हैज का जिक्र है, तो आप इसको उससे लिंक करना चाहते थे। मेरा इस पे सवाल ये था कि पहले कुरान पाक में आप ये कह के जाएं, कुरान पाक से बाहर जाने से पहले बनी इसराइल साहब आप ये तस्लीम करके जाएं कि या अय्युहन नबीय्यु से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी आखिर जमा खातमुन नबीजीन है, ये मुराद है। उसके बाद आप बुखारी शरीफ से जाकर लिंक करें, फिर मुझसे जवाब लें, मैं इधर ही बैठा हूँ। अगर आप यहाँ से ये मानते ही नहीं है कि इससे मुराद नबी पाक है, तो बुखारी शरीफ में क्या करने जा रहे हैं? कर दिया या अय्युहन नबी से मुराद खातमुन नबीजीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जी अभी रखूं आर्गुमेंट रखूं तो आज के बाद आपने अभी ये नहीं कहना कि इससे मुराद अभी देखे ना अधूरी बात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। मैं अधूरी बात नहीं करने दूंगा, अभी मैं डिसप्रूव करूंगा, अभी तो मैंने मान लिया जब मैं अल्लाह की किताब से, बाकी क्या एक ही आयत पे मेरा ईमान है? मैं बाकी आयत अच्छा, यानी कि अल्लाह की किताब में आपने ये मान लिया या अय्युहन नबी से मुराद मोहम्मद मुस्तफा है, अब अल्लाह की किताब से आप कहेंगे कि ये नहीं मुराद नहीं? हमने देखना है कि जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम में तजाद है,
जनाब अब हमने ये देखना है कि जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज हराम कर रहे हैं जो अल्लाह ने हलाल की है। हमने अभी ये देखना है, उनकी गलती देखनी है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपको दिखाता हूँ, आपने मान लिया। एक एक मिनट, ये बात फाइनल हो गई जी, सारे लोग सुन लें, जितने लोग सुन फाइनल करें यार, मुझे फाइनल हो गई कि या अय्युहन नबीयू से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाले हैं जिनका जिक्र बुखारी शरीफ वाले है। राइट, बिल्कुल ठीक है जी। चले जी, एक मिनट जी, मुझे सिर्फ एक मिनट दें, मैंने ये बात आपसे रिपीट करवा के रिकॉर्ड करनी। अच्छा जी, रिकॉर्ड कर लें। एक मिनट जी, मसला नहीं यार, आप रिकॉर्ड कर लें जी। नहीं एक मिनट, हैप्पी अल कुरान साहब हसरे की इजाजत है जी। जी जरूर, इसराइल साहब अभी मैं चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं कि ये साहब इधर हंसने वाली बात है कोई, या अय्युहन नबी, मतलब समझ नहीं आ रहा हमें। ओ यार एक मिनट जी, पूरी आयत पढ़ें, पूरी पूरी आयत पढ़ें। आपने दीदी, मैं पूरा पढ़ के बताता हूं ना, आयत से पढ़ के। शाह साहब का डिलाइक है ना कि कज बैसी, ये इधर कज बैसी हो। मैं पूरी पूरी आयत पढ़ के बताता हूं ना कि उसमें जो नबी पाक की पहले बात हो रही है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपना बनी इसराइल साहब, बनी इसराइल साहब दो मिनट। अच्छा आप अपनी मर्जी का लुकमा मेरे मुंह में मर्जी नहीं करेंगे यार। नहीं नहीं नहीं, हम मर्जी नहीं, आपने खुद जो बात तस्लीम की है मैं उसी को सिर्फ रिपीट करवाना, क्योंकि मैंने रिकॉर्डर नहीं लगाया हुआ था। ज़ियार रसूल भाई एक मिनट, अब मानी साहब ने भी हंसा ऐसे और आसिफ चौधरी साहब भी तशरीफ लाए, मैं भी दो जुमले अगर ये ना बोलते तो मैं खामोश रहता। गुजारिश ये है जनाबे बनी इसराइल साहिब, ये बात आपने, मैं फिर दोहरा देता हूँ, यानी कुरान मजीद में जहाँ या अय्युहन नबी आएगा उससे मुराद हमारे आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मक्का पाक में पैदा हुए और जिनकी कब्र अनवर रोज़ा पाक मदीना पाक में है। आप इसको तस्लीम करते हैं तो फिर अगले स्टेप पर आप जो भी इतराज़ लाएंगे आज के बाद, आप कुरान मजीद से जहां पर भी मुखातब होंगे वही होंगे। हाँ, फिर जो आप इतराज़ात करेंगे फिर हम उनके जवाब देंगे। ये आपको अगर ये बात मैंने ऐड कर ली, गुफ्तगू आप और ज़ियार रसूल साहब करेंगे, हम खामोश रहेंगे, हम सुनेंगे सिर्फ, लेकिन ये बात जो मैंने ऐड की है, ज़ियार रसूल साहब इसको आप सेकंड करते हैं या इनसे ज़रा तय करवा लीजिए। जी जी, इनसे कहें बस अपनी ज़ुबान से रिपीट कर दे, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं एक छोटी सी बात अर्ज कर सकता हूं, मैं तो इस कुरान को पढ़े बगैर मैं तो ये भी तस्लीम करता हूं कि ईसा अल्लाह का बेटा है, लेकिन जब मैं इस कुरान को पढ़ता हूँ तो तब मुझे पता चलता है कि अल्लाह कहता है कि अल्लाह की शान ही नहीं है कि उसके लिए कोई वलद हो, कोई बच्चा हो। इसको कज बैसी कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का में पैदा हुए हैं, जिनका रोजा जो है मदीना शरीफ में है, मैं उन्हीं को ही मानता हूँ। वकास साहेब, वकास साहेब मेरे भाई, मेरे मोहतरम, पंचायती, ये जो है ना, छोड़ दे मुसलमान और काफिर की, ये जो पंचायती होती है ना आमतौर देहातों में बात होती है, आपकी तरह बैत बात यार, एक तरफ लगो कहीं लगो तो ताकि बात आगे बढ़े। लग गया हूँ ना, कहाँ लगे हो अब? मैंने कहा जी, मैंने मान लिया कि मैंने मान लिया क्योंकि आप लोग मुझे अभी सुन ले, मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात कर रहा हूँ। आपने बहुत लो लेवल की बात की, लो लेवल की, यानी मजहब से बाला तार होकर आम इंसानी कदरों से भी आपने लो लेवल बात की, इसलिए एक तरफ आप एक साइड पर लगे, ये नहीं होगा ऐसे, आप जंप लगा के उधर चले जाए फिर थोड़ी देर बाद जंप लगा कर इधर, ये जंप नहीं चलेगा, एक साइड पर हो जिधर होना है आपने। अच्छा आप लोग लगाएं, विकास भाई एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड शाह साहब, आप भी ले रही सेकंड, आप भी दो सेकंड ले रही, मुझे तो इन्होंने आर्गुमेंट नहीं बिल्ड करने देना। विकास साहब आप ऐसा करें, इस बंदे को ले जाएं पिछले रूम में, वहां जाकर खोल लें पहले आप, ये हर बार आपके ना आगे आगे बढ़ा नहीं है यार, टेरिंग भाई ऐसे। आप दोनों भाई जो, आप दोनों मेरे भाई मोहतरम, आप दोनों मेरे भाई जो मोहतरम इधर कर रहे हो बार बार, तो वो क्या है प्यारे भाई, हौसला रखें। मैं आपको सर पे कोई हथौड़ा नहीं मारने लगा, बात करने लगा। हथौड़े से भी बड़ी चीज आप मारते हैं, यकीन करें बड़ी इरिटेशन होती है। सुन ले मेरे भाई, आप अलामा है मुझे तो भी पता चला, और आप अलामा होने के बावजूद ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। शाह साहब मैंने आगे भी अर्ज किया कि आप लोगों का ये क्लेम है कि ये सारे जिधर भी या यो नबी आया है या मुखातिब किया जा रहा है वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो ये आपका क्लेम है, आपने ये क्लेम हमें दिया है, हम इस क्लेम को कुरान पे परखेंगे,
परखने के बाद देखेंगे कि आया ये क्लेम दुरुस्त है या नहीं। अगर दुरुस्त हुआ तो हम आपके साथ हैं, हम आपकी साइड पे लग जाएंगे। हमें परखना तो देना, आप कह रहे हैं पहले मान जाओ, पहले इसको तस्लीम कर लो, फिर उसके बाद बात करेंगे। मानी साहब, नहीं मानी, मानी जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ आपसे। आसिफ चौधरी साहब, आप भी और हैप्पी अल कुरान और ये बनी इसराइल, तीनों बंदों को आप, मैं बादाम भेजता हूँ, इस बंदे को खिलाएं। वो गांव में पंचायत होती है ना, तो पिंड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बोंगियां मारनी होती हैं, और जो मुजरिम होता है उसको बरी कर देना होता है, साबित करना होता है, और जो होता है जिसका नुकसान हुआ होता है उसको कसूरवार बोंगी ऐसी मारते हैं। तो वो जो पिंड के नंबरदार होते हैं ना, वो नहीं, मानी की बात सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सारे जो सुन रहे हैं सारे। उस बंदे ने तीन बार ही आपके पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, उस बेचारे को सारे जो सुन रहे हैं वो सारे देख लें कि मैं एक जाहिल आदमी हूँ, अनपढ़ और मेरी गुफ्तगू देखने और ये अलामा सारी बात रोंदी नहीं तो मरेगा कोई भी नहीं। तीन घंटे से बात की, आपको समझ नहीं आ रही बात हो क्या रही है? जी 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 जी, सारे जो सुन रहे हैं, सारे जो सुन रहे हैं, जो सारे बंदे सुन रहे हैं वो मुलाहिजा फरमा लें कि मैं एक जाहिल आदमी हूँ, मेरी गुफ्तगू देख लें और ये अलामा साहब हैं, इनकी गुफ्तगू देख लें। मानी मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ लेकिन वकास से एग्री नहीं कर रहा। वकास जो है वो शाह साहब ठीक कह रहे हैं कि एक एक लफ्ज पर आए कि आप क्या मान रहे हैं, आपसे मैं एग्री करता हूँ लेकिन वकास पता नहीं वकास इधर उधर जा रहा है जनाब। अच्छा, मैं थोड़ा सा अर्ज कर लूँ अगर इजाजत दें आप लोग तो। जी जी बोले, आप बारी बारी बोले। अच्छा, हम खामोश रहते हैं, पहले आप लोग आपस में फैसला कर लें कि मानी वाला मौकफ लेके चलना है या बनी इसराइल वाला, ये पहले नहीं, फैसला नहीं, नहीं सही है अभी, देखें ये सही बात है। हाँ, ये थोड़ा सा बात को आगे लेके चला लेते हैं यार, हम भी घंटे से सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में मानी वाला मौकफ लेके चलें तो सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मानी वाला मौकफ लेकर चलें। Yes. लो जी, बनी इसराइल साहब छुट्टी करो, देखें बनी इसराइल साहब को छुट्टी करो, इन्हें रिटायर कर दियो ना, बुढ़ा हो गया शाह साहब। देखें जो मर्जी यार, एक मिनट अभी मसले का हल निकाल लेते हैं फिर आगे चल लेते हैं अगर उन्हें चलना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, सैयद साहब, देखें आप लोगों का बिलीव है कि ये जो अलैका आता है या यूहन्नबी आता है तो यहाँ पर जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब है, ठीक है। अब वो वकास भाई कह रहे हैं कि ये जो मानी भाई ने जो आर्गू रखा है वो बिल्कुल दुरुस्त रखा है कि हम मानते हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान वाला है और जो रसूलुल्लाह आप पेश कर रहे हैं उनकी सारी अहादीस जो हैं वो कुरान के हिसाब से रिजेक्ट होती हैं। अब उस पर एक आयत रख रहे हैं वकास भाई और उस पर एक हदीस रखेंगे, तो उस पर फिर आप लोग बता दीजिएगा कि इसमें ये जब बात जो वो कर रहे हैं आयत के मुतालिक और वो हदीस के मुतालिक वो दोनों मुतरादिफ हैं या मिलती जुलती है। जी बात मुकम्मल हो गई आपकी, किसी और ने बात करनी है तो कर ले, आपकी जो फिक्र वाला कोई बंदा खुल के बात करना चाहे ताकि हमें पर इंटरप्ट ना करें, आप लोग बात करनी कर ले। नहीं करनी शाह साहब ने मौका दियो जी, या सब आप करेंगे या मैं बात करूँ? जी जी। अच्छा, मैं बैठे हैं, आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं कर लूंगा, तो आप ही करें। पहली बात ये कि इसका मतलब ये हुआ कि बनी इसराइल का जो मौकिफ है वो रद्द हो चुका है। वो पिकरी आप फिर आपका एक दंदिया, मैं उसको पंजाबी का दंदिया का दंदिया करके यार, बनी इसराइल ये इतने यार सुन रहे हैं यार, क्या साहब को सुनो यार, सही कह रहे हैं यार आप, ठीक है रद्द हो गया, क्या साहब बोले? नहीं ये जो वकास साहब हंस ले यार, वकास नहीं, वकास गल सही है यार, वकास म्यूट लगा के हंस ले यार, म्यूट लगा यार, एक मिनट रुको जी, मैं कॉपी पेंसिल ले लूंगा, मैं नोट भी करना है, रुको जो ये हुन लिख के हंस, म्यूट भी लगा ले वकास, क्या साहब बोल गया सहेगा बड़ा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो जिया साहब का मौकिफ दुरुस्त हुआ और वकास साहब का जो मौकिफ है गलत हो गया, अब वो ये बात आइंदा नहीं करेंगे, ठीक है जी। वकास साहब को कलमा कलमा पढ़ाना है शाह साहब ने? नहीं नहीं, कलमा नहीं पढ़ाना, क्यों कलमा पढ़ाना थे वो सुल्तान साहब फरमाते हैं, शाह साहब बात करें ना, मैंने आर्गुमेंट बिल्ड करके ही जाना है आज, मैं ये आर्गुमेंट बिल्ड करके जाऊंगा, मुझे इसी को आपने बिल्ड करके जाना, लो जी मानी ही जो है ना आपके साथ बैठा हुआ है, आपस में कर ले फिर हमें एक नतीजा बताएं, तो आप तय कर, वो कहते हैं मैंने बिल्ड करके, पहले डिबेट करें आप मानी के साथ, मुझे मसला नहीं है, आप देखिए मैं आप जवाब दें या ना दें मुझे उसकी कोई, यार मेरी 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 गल सुनो, जिस तरह ही असि सीरतुल नबी खोलते हैं तो तुम क्यों मतलब क्यों नहीं खोलन देंगे सानू,
लेकिन मसला ये है ना कि पहले आप ये भी तो एक्सेप्ट करें ना कि कुरान पाक में जी असी देखो असी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जेड़ा सुन लो असी एक्सेप्ट कर ले हैं कि जेड़ा कुरान दा मोहम्मद रसूलुल्लाह है ओ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नहीं माइक किसने म्यूट किया यार रसूल साहब का नहीं 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 वो उन्होंने खुद ही किया अच्छा मेरी मैं सच्चाई कर रहा हूं एक गुजारिश होगी आप बारी बारी हम आपको रोकेंगे नहीं देखें आप कह रहे हैं कि जो सीरत खुल के खोले पूरा यूरोप इधर जो दुश्मनान इस्लाम है या यूरोप में सारों ने खोली हुई आपको किसने कहा किसी ने नहीं खोला हुआ नेट पर सब ने खोला हुआ कोई मसला नहीं है हमें कहा किस लिए घबराहट है अच्छा गुजारिश ये है पहले अब वकास साहब के मौके पर आना है या आप लोगों के मौके पर आना है ये तय उनका भी यही मौका है शाह साहब उनका ये नहीं है पूछ ले हमसे यही मौका है नहीं शाह साहब से पूछ लेना शाह साहब उनका यही मौका है आप बताएं शाह साहब से पूछ लें ज़िया साहब से पूछ लें इधर जो डिबेटर है वो ज़िया साहब है ज़िया साहब वकास साहब का और इनका वकास साहब का ये मौका था उन्होंने तस्लीम किया कि सूरह तहरीम में जो है या अय्युहन नबी जुलिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह इसमें या अय्युहन नबी जी से मुराद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनका बुखारी शरीफ में जिक्र है वो मोहम्मद मुराद है इसे इन्होंने ये एक्सेप्ट किया है अब साथियों को पता चला कि भाई ये तो फंस गया है ये क्या कर बैठा है अब वो एम्बुलेंस से बन के आ गए हैं अब वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है मैं हम आप भी उसी जगह पे खड़े हैं आप दोनों आपस में डिबेट करके हमें बता दें कि इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह है अगर नहीं सारी तुम सारी कर रहे हो तुम सारी करो ठीक है सारी करो नहीं है तुम सारा सलाम है यार सारी कर लो नहीं नहीं आगे आगे गल आगे गल यार उसको खाना तो खाने दो अगर उन्होंने वकास भाई ने खाना खो गया मैं खा लूंगा साथ टेंशन ले उन्होंने लगता मेरी बात ठीक है मेरी बात अगर अगर वकास अगर वकास भाई ने ऐसी बात की है सुन ले मेरी बात सुन ले अच्छा मैं अर्ज कर अगर वकास भाई ने ऐसी बात की है तो उसके मुताबिक उनको अपनी बात अब रख तो लेने देना कि वो रखना क्या जा रहे हैं बिल्कुल रख लेंगे हैप्पी भाई 1 मिनट इधर बात है साहब जो है वो इतने होशियार है वो अपनी बात पूरी कर लेते हैं सही है और जब बनी इसराइल की बारी आती है तो ये कभी शाह साहब बोलने लग जाते हैं कभी वो डॉक्टर दोबारा स्टार्ट हो जाता है सही है उस बंदे को अपना मौकफ तो रखने दो वो अपना बिल्ड कर रहा है उसको करने दो आप उसको बात ही नहीं करने दे रहे बीच में हाँ उसे मौका तो देना रखने का जी वन साहब बंदे को बोलने तो दो ना यार वो कब से वेट कर रहा है कि चलो मेरी बारी आती है कभी शाह साहब अपना मौका कोई रख लेते हैं कभी वो दोबारा शुरू ये असल में सिर्फ मनवाने रहते हैं शुरू कर देते हैं मैं मनवाने नहीं आता आ रही है मुझे मनवाने आए हैं सिर्फ अच्छा मेरी बात आप बनी इसराइल की बारी आप म्यूट करें सारे उसको अपना मौका जो भी है उसको अपना रखने तो देना अब देखो जी बंदा क्या कह रहा है जी जी वन साहब मुकम्मल होगी बात आपकी अब मैं चूंकि आपने मुझे मुखातब किया है तो मैं अर्ज कर हाँ सर आपकी तो बात अभी नहीं होनी जी अब देखें एक आप हैं एक होस्ट दो हो गए एक हो गए जहां साहब तीन हो गए हैप्पी अल कुरान साहब चार हो गए मानी साहब पांच हो गए आसिफ साहब चले आज न्यूट्रल हैं वो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं और ये वकास साहब तो पांच बंदे आप हैं और हम इधर से दो गुफ्तगू करते हैं पहले तो आपकी ये बात है कि ज़्यादा कौन बोल रहे हैं अब वकास साहब का जो दावा है पहले हमने ये तयन करना है या तो वो माने कि या अय्युहन नबी से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कहे नहीं वो मान गए हैं अब आपने फिर आपने वो उनके मुंह में जुबान है जी जी शाह साहब मैं मान गया हूं ना मैं मान के बात शुरू की है अगर क्या मान ही नहीं रहा नहीं तो क्या मान गए कैसे शुरू करूंगा अच्छा मान गए अच्छा मान गए आप जी बिल्कुल जो पूरी उम्मत मान रही है मैं भी वही मान रहा हूं अच्छा हो गया अब आप नहीं पूरी उम्मत क्या मान रही है पूरी उम्मत या अय्युहन नबी से मुराद रहती है जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मक्का में पैदा हुए मदीना में देखे अब देखे वही देखे आसिफ चौधरी साहब आप जरा मेरी मदद करिए देखिए अब फिर ये उसी जगह पर आ गए हालांकि आप लोगों ने बात और की थी और ये और पेज पे है आप नहीं तो अब हम मान गए ना अगर देखे अच्छा वो डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने ये बात कही है तो मैंने कहा ठीक है अगर उन्होंने ये बात कही है तो आप इस बात से लेके उनको आगे चले अब यानी यही तो मैंने बात की है अच्छा आप लोग उनके पीछे वकास साहब के पीछे चले गए जी जी मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब दे सुने ना सुने मेरी बात सुने डॉक्टर साहब जब मैंने कहा कि हम ये नहीं मानते लेकिन आपने कहा कि वकास ने ये बात कही है तो आपकी बात को मैंने मान के कहा है कि अगर उसने कही है ये बात तो अब हम इस बात को आगे लेके चले
यार आप ऐसा क्यों करते हो? आप लोग पहले कह रहे थे वकास जो है वकास हटो। अरे शाह साहब मेरी बात, अरे वो डॉक्टर साहब ने गवाही दे दी ना। एक मिनट वन भाई एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर साहब, अपनी सारी बात कंप्लीट कर दी है शाह साहब। अगर मैं सुने ना, मैंने ये जब बात की है, सुन ले मेरी बात, सुन ले प्लीज मेरी बात सुन ले। जब मैंने ये बात कही है उसके बाद आपने डॉक्टर साहब की तरफ बात करी है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने वकास ने मेरे सामने ये बात कही है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर वकास ने ये बात कही है तो फिर उसको अपना मुद्दा रखने दें। अब बात मुकम्मल कर ले, मुझे इजाजत दें। अब बहुत आपने तो धोखा कर दिया, बहुत धोखा हो गया हमारे। चले यार होगी भाई, शाह साहब मेरी बात सुने, आप उसको मुद्दा रखने देंगे कि नहीं? हमें जवाब देने देना जनाब, सुने दे चाचा, दे जवाब। मैं देखें पूरा शाह साहब का जवाब ना, शाह साहब यहाँ तो दो मिनट रुक जाए, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ, जो हमें समझ आई है। मेरी गुजारिश सुन लें, वकास साहब ने कहा कि मैं या अय्युहन नबी से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले। आप तीनों इकट्ठे बोल पड़े और बीच में आसिफ चौधरी साहब ने भी कहा कि नहीं, ये वकास की बात दुरुस्त नहीं है। अब हमें यह था कि वकास ने अपना मौकिफ छोड़कर वो आपके पीछे आ गए, लेकिन जब गुफ्तगू आप लोगों बोले हैं तो आप कहते हैं जब हम वकास के पीछे आ गए, तो पहले ये तो हमें ताइयो, हम तो और समझ बैठे थे। अब पहले नहीं, नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर उन्होंने कहा कि वकास ने कहा है तो वकास उसके मुताबिक ही बात करेगा। अल कुरान ऐसा ना करें, आप बोले, आप जितना मर्जी बोलेंगे हम खामोश रहेंगे। ज़िया साहब अब आप ये जो गुफ्तगू आप और तरफ ये ले गए हैं तो आप जरा बोलिएगा, आपने भी यही समझा है? शाह साहब ये धोखा कर रहे हैं इतने लोगों के सामने। उसने कहा जब बनी इसराइल ने, अब आराम से सुने, उसने जब कहा कि हाँ मैं तस्लीम करता हूँ इसमें या अय्युहन नबी से मुराद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आगे तस्रीह भी करवाई उनसे कि जिनका जिक्र बुखारी शरीफ में है वही मानते हैं। उसने कहा जी वही मानते हैं। फिर ये हैप्पी अल कुरान दरमियान में कूदा है, इसको पता चल गया कि ये फंस गया है। ये कहता है नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि ये साबित कर रहे हैं कि ये इसमें जो या अय्युहन नबी से जो मुहम्मद मुराद है वो बुखारी शरीफ वाला है ही नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूँ, अच्छा सुन ले ना, सुन ले, हमें अब भी कोई मसला नहीं है। अब सुन ले ना, सुन ले मेरी बात, मैं माजरा चाहता हूँ अपने अल्फाजों की। अगर वकास भाई ने ये मुद्दा रख दिया है तो अब उसके मुताबिक उन्हें बात चलाने दे आगे, ठीक है? बस ठीक है, बात खत्म हो गई है जी। अब मैं जी वकास साहब आप बात करें, अब आगे ठीक है, मनवाना हिदायत देना ये अल्लाह के काम है। बंदा जो होता है ना, पंचायती बंदा होता है ना, वो इस तरह धोखा नहीं करता। आपने भी धोखा दिया अभी, आप कह रहे थे मनवाना अल्लाह पे छोड़ दिए। ओ बात तो सुन ले यार, आप बात करने ही नहीं दे रहे। आप देखे सारे बोल पड़े, जब ये बोले आईपीएल कुरान में खामोश नहीं रहा। आपकी बात तो खत्म ही नहीं होनी ना, आपकी तो बस आप बोले जितना बोलना, जब आप बोल के थक जाए फिर मैं बोलूंगा। बोले आप यार, जो यार कर ले दो बात को कम्प्लीट भाई, आगे बात चल पड़े। हैप्पी भाई, टू बी ऑनेस्ट मुझे शाह जी से बात करने का बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। बड़े नाइस पर्सन है, बड़ी नाइसली गुफ्तगू करते हैं वो ना। तो शाह जी अभी बात ये है कि बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी बनी इसराइल भाई ने टॉपिक इधर से शुरू करना था कि उन्होंने गलतियां बयान करनी थी उनकी, ठीक है, और उस पर वो कह रहे थे मैं बिल्ड करूँगा, लेकिन उसमें सारे कूद पड़े, अभी कोई भी उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा। तो फिर आप बोलेंगे आपकी बात का, अब मेरे मैं जब बात खत्म करूंगा ना तो फिर शाह जी आप बोलेंगे आपकी बात कंप्लीट होगी, फिर आप शुरू कर लेंगे, फिर कोई और। तो अभी मैं चाह रहा हूँ मेरी बात के बाद आप म्यूट लगाएं, तो उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी उन्हें आगे रखने दें, ताकि बात को आगे चलाएं। ऐसी बहस करते रहेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी सारी रात। अब मान गए हैं ना कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये वही मुराद है, तो अब उनको बात रखने तो देना। शायद ये म्यूट थे, इन्होंने शायद सुना नहीं है, वो इनके सामने माने हैं, ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि मैं गलतियां साबित करने लगा, उसके बाद इन्होंने टॉपिक इधर उधर सबके कर दिए, ठीक है।
तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी आप सब म्यूट करें, अभी उनको अपना मौकफ जो भी है वो रखने दें। वान साहब कोई कोई हसरत है तो पूरी, और हसरत नहीं रह गई बोलने, अब कोई हसरत है तो पूरी कर ले फिर बाद में। क्या कहने, क्या खबर, क्या खबर आपको मौत आ जाए तो आप जिंदगी में कहे कि मेरी खास सुन के मैं बोल रहा था, बोलने नहीं दिया। शाह साहब बिग रिस्पेक्ट फॉर यू शाह जी, मैं आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है दूसरों को आप नसीहत करते हैं कम बोले, आप खुद बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। अच्छा मेरी, अब मैं आप संजीदा गुफ्तगू आप समाप्त करें।